अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे जी। वन क्लास, आप अपनी बुक निकालें उर्दू की और उर्दू की बुक का लेसन खोलें। लेसन नंबर 3 हमारे पास है। हाँ जी, हमारे ये लेसन है इल्म हासिल करो। ये हमारा सबक नंबर 3 है जो आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी रीडिंग करेंगे। आप लोगों ने इसकी मेरे साथ रीडिंग करनी है। पढ़े, सबक का नाम क्या है? इल्म हासिल करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें और दूसरों को भी सिखाएं। इसकी आपने रीडिंग तैयार करनी है। रीडिंग के साथ आपने इस लेसन की इमला भी तैयार करनी है। अब देखें हमने क्या करना है। अब आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर इस अल्फाज सबक के मुश्किल अल्फाज को खुशखत लिखना है। मैं आपको लिख के, सबसे पहले लिखेंगे सबक का नाम। सबक का नाम हमारे पास है इल्म हासिल करो, ठीक है। इस लेसन में इल्म की अहमियत को बताया गया है, ठीक है, कि इल्म हासिल करना जो है वो हम सब पर फ़र्ज़ है, चाहे हम मर्द है या औरत, हर मुसलमान को इल्म हासिल करना उसका फ़र्ज़ है। अब देखें इसके मुश्किल अल्फाज, मुश्किल अल्फाज देखें इसके। हाँ जी, पहले है नबी। सबसे पहले नबी में देखें बच्चों, नून का सिरा बनेगा। नून के सिरे के साथ ही उसका नुक्ता लगाना है और उसके साथ बे छोड़िए बी, नून जर बे नब, बे छोड़िए बी, नबी। नबी के बाद देखें अच्छी अलिफ़, जिसका अच्छा में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, छः, दो बार इसकी आवाज़ आई अलिफ छः, छः छोड़िए जी अच्छी। उसके बाद बातें, बातें देखें ये जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद क्या होगा? बात, बेरिफ बात, तेज़े लिए ते, नून गुन्ना, बातें। बातें के बाद बताई, ये भी जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद है बताई, ठीक है, बताई। उसके बाद देखें फेरे फर, मीम अलिफ मा, ये लिफिया, फरमाया। फरमाया के बाद देखें इल्म, एन जबर लाम इल्म, मीम लाम जेर नून, इल्म हासिल, हे लिफा स्वा जेर लाम सिर। उसके बाद मुसल, मीम पे सिन, मुस सिन जबर लाम सल, मीम अलिफ मा, मुसलमान, उन मा कुफ मुसलमान, मीम जबर रे मर, दाल मा कुफ मर, एन मा ओ रे तेरा औरत। औरत के बाद फेरे फर्ज, ज़ाद मा कुफ फर्ज। शख्स देखें, शीन जबर के शक, स्वाद मा कुफ शख्स। शख्स के बाद देखें जन्नत, जीम जबर नून जन, नून ते नत जन्नत। जन्नत के बाद रास्ता, रेलिफ रास, सीन के तीन सिरे, ये तेहता रास्ता। उसके बाद देखें आसान, अलिफ मता आ, सीन अलिफ सा, नून मकूफ आसान। सीन के तीन सिरे बनाने हैं, नून को आपने आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे लिखना है। आसान के बाद देखें दूसरों, दाल वाओ, सीन के सिरा, ये रे के साथ मिला, रे के साथ वाओ, फिर नून गुना दूसरों। सिखाएं, सीन जे सी, खेलिफ खा, सिखा, हमजा जेर ये ए, नून गुना सिखाएं। ये आपके इस लेसन के मुश्किल अल्फाज हैं, दोबारा पढ़ लें। नबी, अच्छी बातें बताई, फरमाया, इल्म हासिल, मुसलमान मर्द औरत, फ़र्ज शख्स, जन्नत रास्ता आसान, दूसरों सिखाएं। अच्छा, इस लेसन में जो आपको वाहिद जमा मिले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जमा दिए हुए उनके वाहिद। सबसे पहले क्या है? बातें, बताई, ये हैं वाहिद जमा अल्फाज। इनके वाहिद बातें का वाहिद होगा बात, बताई का होगा बताई, ठीक है। अब मुसलमान है, इसका मुसलमान ये वाहिद है, इसकी जमा आपने लिखनी है मुसलमानों, ठीक है। ये इस लेसन में आपके मुश्किल अल्फाज, और जो अल्फाज मुश्किल अल्फाज इमला के लिए वो हो गए, और उसके अलावा आपने जो करना है वो करना है इस मुश्किल अल्फाज की इमला, उसे आप तैयार करेंगे। इन अल्फाज को आपने होमवर्क में 3 टाइम्स लिखना है। और होमवर्क बच्चों, पहले तो आप हफ्ते वाले दिन जमा कराते थे स्कूल में, लेकिन अब आपने अपना होमवर्क फ्राइडे को स्कूल में जमा कराना है, ठीक है।
फ्राइडे को आपने स्कूल में अपना होमवर्क जो आप इस वीक में आप ऑनलाइन पढ़ेंगे वो आपने याद भी करना है, और होमवर्क आपको जो मिलेगा वो लिखना भी है, उसे जमा कब कराना है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अब जो आपका होमवर्क है, होमवर्क मैं आपको बता रही हूँ, आपने नात की इमला करनी है होमवर्क पर, नात की इमला वाहिद जमा जो ये मैंने अभी करवाए हैं, वाहिद जमा, नात की इमला और ये मुश्किल अल्फाज, ये आपने लिखने हैं, और मुश्किल अल्फाज की ये आपका होमवर्क है, नात की इमला, वाहिद जमा और इम हासिल करके मुश्किल अल्फाज, ये आपने होमवर्क में लिखना है, समझ आ गई। और इस लेसन की आपने रीडिंग और इमला अच्छे तरीके से तैयार करनी है, और फ्राइडे वाले दिन स्कूल में अपनी होमवर्क की शीट जमा करानी है, ठीक है। थोड़ा सा काम है, अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।